कंगना रनौत की फिल्म इमरजेंसी हाल ही में रिलीज होने वाली थी, लेकिन कंगना रनौत की इस फिल्म का विरोध किया गया। मांग की गई कि इस फिल्म को बैन कर देना चाहिए और इसके लिए याचिका भी लगाई गई, जिसकी वजह से कंगना रनौत की फिल्म पोस्टपोन कर दी गई और अब कंगना बुरी तरह से बौखलाई हुई हैं। कंगना रनौत ने एक तरफ इस फिल्म को लेकर काफी बात की, वहीं दूसरी तरफ बॉलीवुड के एक्ट्रेस पर भी निशाना साधा। कंगना रनौत ने कहा कि ये फिल्म इमरजेंसी जो हमने बनाई है वो तथ्यों के आधार पर है, कोई भी झूठ इसमें दिखाया नहीं गया है, कोई भी काल्पनिक चीजें नहीं है, जो हुआ था उस वक्त वही हमने इस फिल्म में दिखाने की कोशिश की गई है। कंगना ने कहा कि क्या ये गलत है कि मंदिर में AK-47 लेके लोग घुसे थे। इस फिल्म में जिसको आतंकवादी कहा गया है, दिखाया गया है, क्या वो वाकई में आतंकवादी नहीं था, कोई संत था? इस फिल्म पर क्यों ऐतराज किया जा रहा है? हम सच दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, हम दिखाना चाहते हैं कि उस वक्त क्या कुछ चल रहा था। आज भले ही लोगों को वो आतंकवादी संत लग रहे हों, लेकिन उन्होंने संतों जैसा कोई काम नहीं किया था। वहीं दूसरी तरफ कंगना रनौत जो है वो बॉलीवुड वालों से भी बहुत नाराज हैं। वैसे बॉलीवुड के कई एक्टर्स पर आए दिन कंगना रनौत जो है अपनी नाराजगी जाहिर करती रहती हैं, लेकिन एक बार फिर से कंगना रनौत का गुस्सा फूटा है। कंगना रनौत ने कहा कि ये बॉलीवुड वाले जो हैं वो किसी के सगे नहीं हैं, अगर इन्हें पैसा दे दिया जाए तो ये कुछ भी करने को तैयार हो जाते हैं। करोड़ों की नेटवर्थ होती है इनकी, करोड़ों रुपए कमाते हैं, एक फिल्म से करोड़ों करोड़ों की फीस लेते हैं, लेकिन इसके बावजूद पैसे की भूख इनमें बनी रहती है। इन्हें ये नहीं पता कि ये जो किरदार निभा रहे हैं वो समाज को कितना प्रभावित करता है। एक हीरो का रोल निभाते हैं, समाज का बहुत बड़ा वर्ग जो है इनको फॉलो करता है, और जब ये तंबाकू के ऐड करते हैं तो ये समाज को किस दिशा में ले जाना चाहते हैं। कंगना ने कहा कि दरअसल इन एक्टर एक्ट्रेस का कोई नैतिक जिम्मेदारी नहीं है, ये सिर्फ पैसे के लिए ही जिंदा रहते हैं, पैसे ही इनको कमाना है, इनको समाज से, इनको देश से, इनको युवाओं से कोई लेना देना नहीं है। हालांकि देश की जनता जो है इन्हें सर माथे पर बिठाती है, हीरो बनाती है, लेकिन ये लोग ऐसे गद्दार हैं जो देश के युवाओं के बारे में नहीं सोचते, सिर्फ अपनी नेटवर्थ बढ़ाते चले जाते हैं और किसी को एक पाई का भी मुनाफा देना ये जरूरी नहीं समझते। कंगना ने कहा कि भले ही किसी को कुछ ना दे, लेकिन कम से कम इस तरह के तंबाकू के ऐड वगैरह तो ना करें जिससे कि हमारे युवा वर्ग जो है वो गुमराह होते हैं। उन्हें लगता है कि जब ये हीरो कर सकता है तो हम क्यों नहीं कर सकते। उनके लिए तो वो एक ऐसी चीज हो जाती है जो हीरो ने की है तो वो फॉलो करते हैं, जबकि इन सब चीजों से बचना चाहिए हीरो को, एक्टर्स को, एक्ट्रेस को। ये तंबाकू वाले ऐड जो है वो देश हित में नहीं है, इन्हें नहीं करना चाहिए, फिर चाहे आपको करोड़ों का ही ऑफर क्यों ना हो। वैसे आप सब जरूर बताइएगा, क्योंकि ये तंबाकू वाले जो प्रोडक्ट्स हैं इनके ऐड को लेकर कई सालों से बवाल मच रहा है कि आखिर हीरो क्यों इस तरह के ऐड करते हैं। कमेंट करके बताइएगा कि क्या कंगना ने सही कहा या कंगना गलत बोल रही हैं। पैसा कमाना इम्पोर्टेंट है या देश हित भी देखना चाहिए एक्टर एक्ट्रेस को।